धमाका कैसे हुआ, अभी तक इदारे किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। सीटीडी का कहना है कि धमाका बजाहिर गैस लीकेज से लगता है। सुई सदरन के मुताबिक धमाके की जगह पर कोई गैस पाइपलाइन नहीं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वजह सीवरेज लाइन में धमाका बताई। क्या ये मामला हल होगा या फिर बात सवालात ही तक रहेगी। क्वेटा के कंदहारी बाजार में धमाका। रेस्क्यू जराए के मुताबिक धमाके में एक शख्स जहां बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए। लाहौर हाई कोर्ट का निकाह नामों और हक महर से मुतालिक बड़ा फैसला। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हक महर के कॉलम में तरमीम का हुक्म। रजिस्टर में कैश, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के अंदराज के लिए अलग अलग कॉलम बनाने की हिदायत। अवामी तनकीद से जज की आजादी किसी भी तरह मुतासर नहीं होती। मसूदुर रहमान अब्बासी को 5,000 रुपए के जमानती मचलकों पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर के मुल्जिम की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आर्मी चीफ से जर्मनी के खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खेते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहमल नहीं हो सकती। संजीदा कोशिशों से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचा जा सकता है। आर्मी चीफ से इंडोनेशिया की वजीर खारजा मिस रटनो की भी मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपनी नाहली का इल्जाम दूसरों पर डालने का बयानिया अब बुरी तरह से पिट चुका। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का वजीर आजम के इंटरव्यू पर रद्द अमल। कहा, वजीर आजम को लगता है उनके अलावा सब सियासत में करप्शन करने आए हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, खान साहब इल्जाम दोहराने से वो सच साबित नहीं होते। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको करप्शन का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दे चुकी है। बढ़ता तजारती खसारा, मईशत के लिए चैलेंज। नवंबर 2021 में दरामदात और बरामदात का फर्क 5,02,50,00,000 से तजावुज कर गया। रवा माली साल 5 माह में तजारती खसारा 50,64,00,00,000 की रिकॉर्ड सतह पर। नवंबर 2021 में 7,92,80,00,000 की दरामदात की गई। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत $2 अरब से जायद दरामद की गई। निसाबी कुतुब महंगी हो गई। लाहौर में 105 रुपए किलो वाला कागज 140 रुपए किलो तक पहुंच गया। निसाबी कुतुब की कीमतों में 20% तक इजाफा। कागज की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल न होने के बायस किताबों की कीमतें बढ़ गईं। वजीर आजम हाउस से कुछ फासले पर नेशनल हिल्स पार्क में शहरा बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। सीडीए रोड बनाने के लिए सैकड़ों दरख्तों और पहाड़ों को काटने में मसरूफ। ईपीए ने सीडीए को बगैर इजाजत काम करने से मना भी कर रखा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छट गई। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खुल गए। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 15 परवाजें मनसूख, 9 ताखीर का शिकार। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर का पारा 3 तक जाने की पेशगोई। लाहौर और गिर्दोनवाह में धुंध के इम्कान। कराची में भी सर्दी का राज। टेम्परेचर 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाली इलाका जात में बर्फ ही बर्फ। रुई के गालों ने पहाड़ों को ढक लिया। पहाड़ों पर यकबस्ता हवाएं। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत गोपस में -16 रहा। कलात -9, कोयटा में -8 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी के बादल कम न हुए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। बहावलपुर, मुल्तान और गुजरांवाला में भी स्मोक का राज। सांस, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। माहिरीन का शहरियों का मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। बरतानिया में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में रिकॉर्ड 93,045 नए केसेस की तस्दीक हो गई। 111 मरीज दम तोड़ गए। बरतानिया में ओमिक्रॉन से अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके।
ऑस्ट्रेलिया में तीसरी लहर के सबसे ज्यादा तकरीबन 4,500 केसेस की तस्दीक। फ्रांस में नए साल की सरकारी तकरीबात और आतिशबाजी मनसूख। फ्रांसीसी वजीर आजम कहते हैं ओमिक्रॉन यूरोप में बिजली की सरहद से फैल रहा है। Your favorite current Pakistani player? I've always been following Mohammad Rizwan. Have been speaking about him for a while, about the quality he brings in, plays very crucial knocks. But I think the standout batter and the way he bats and the 100 in Australia, it has to be Babar Azam. भारतीय स्पिनर रवि चंद्र अश्विन, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह के मदह निकले। कहते हैं रिजवान को काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक शानदार खिलाड़ी है। मुकाबला हुसन पर कोरोना का हमला। पोर्टोरिको में होने वाला मिस वर्ल्ड का फाइनल मुलतवी। फाइनल के लिए स्टेज भी तैयार। 23 हसीनाओं का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुकाबले को मुलतवी करना पड़ा।